Hi guys, welcome or welcome back to another video of One Step Trading. So in this video, we are going to discuss about Zerodha, how to place order, stop loss, entry, exit, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं. तो जिसके पास भी Zerodha का डीमेट अकाउंट है, उनका बहुत सारा ऐसा डिमांड आता है कि Zerodha का डीमेट अकाउंट तो बन गया है मैम, बट इसको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं. तो चलिए आज हम बेसिकली इस चीज़ को समझने वाले हैं. आज संडे है, मार्केट बंद है, तो चलो जितना हो सकता है हम उतना समझने की कोशिश करेंगे. मान लो आपको सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं. यहाँ पर मैं एक वॉच लिस्ट को क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है. अभी यहाँ पर मान लो जैसे कि हमें लेना है बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, तो बैंक निफ्टी की हम स्ट्राइक प्राइस डालते हैं, तो हमने डाला बैंक निफ्टी, ठीक है, 43,100 का कॉल ऑप्शन लेना है. तो हमें हमेशा करंट एक्सपायरी का ही ट्रेड करना होता है. तो 11 मई चल रहा है अभी, ठीक है, करंटली टाइम डेट हो रही है 7 मई, तो 11 मई अभी करंट एक्सपायरी, तो इसका अगर हमें ट्रेड लेना है जो 137 पर बंद हुआ है, ठीक है. तो देखो, एक तो इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 43,100, तो भी आ जाएगा, ठीक है, 43,100 लिखा तो भी आ जाएगा. अब इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लो. ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, बाय में जाना है अगर आप बाय करना चाहते. अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर एक क्वांटिटी रहती है, जो मिनिमम क्वांटिटी इसमें रहती है 25, तो 25 से एक लॉट बनता है, ठीक है. अगर दो लॉट लेने तो 25 × 2 = 50, ठीक है. तीन लोट लेने तो 75, चार लोट लेने तो 100. उस तरीके से आप 25 को उस लोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी क्वांटिटी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है. मिनिमम 25 है, 25 मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी है. अब उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन दिखेगा. अब यहाँ पर क्या है कि अभी तो मार्केट बंद है, तो 137 प्राइस टेबल दिखा रहा है, बट जब भी ये मार्केट ओपन होगा तो ये प्राइस ऊपर नीचे होगा. अब मान लो ये 137 की जगह कुछ 140, 150 ऐसा कुछ हो गया, तो इस जगह आपको क्या करना है, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं. लिमिट का मतलब होता है, देखो अभी ये वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं, इसके नीचे दिख रहा है इंट्राडे ओवरनाइट. इंट्राडे का मतलब होता है कि आपको तुरंत उसी दिन लेना है और उसी दिन बेचना है, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे, ठीक है. इंट्राडे मतलब जिस दिन आपने बाय किया उसी दिन आपका मार्केट इसको कट कर देगा, पोजिशन को कट कर देगा, अगर आपने इनकेस इसको सेल नहीं किया है तो. इंट्राडे मतलब सेम डे बाय सेल. और ओवरनाइट मतलब आज लिया है तो आप इसको कल भी सेल कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, जब तक इसकी एक्सपायरी है. मतलब 11 तारीख की एक्सपायरी है तो 11 तारीख तक ये आपका जो कॉल ऑप्शन है इसको हम रख सकते हैं अपने पोजीशन में, ठीक है. ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. अब नीचे आते हैं तो दिखता है मार्केट. मार्केट में ऐसा होता है कि प्राइस अभी 137 दिखा रहा है, इस जगह प्राइस जो भी चल रहा होगा 140, 145, 150 जो भी प्राइस चल रहा होगा, और अगर इस पर आपने बाय ऑर्डर लगाया तो मार्केट की प्राइस पे सेल हो जाएगा, ठीक है. अगर बाय ऑर्डर लगाए तो मार्केट की प्राइस पे सेल हो जाएगा, बाय हो जाएगा, मार्केट की प्राइस पे बाय हो जाएगा. लिमिट का मतलब ये होता है कि प्राइस अगर 137 चल रहा है तो अगर आपको 130 पर लेना है तो आपको 130 यहाँ पर प्राइस लिखना होगा, और लिमिट में जाकर आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा. तो मतलब जब भी प्राइस 130 आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. लिमिट का मतलब ये होता है कि प्राइस मार्केट में हाई चल रहा है, मतलब 137 चल रहा है, बट अगर लिमिट पे लेना है तो 130, जैसे अगर आपको जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा कम भाव में लेना है तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी. और SL का मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस मार्केट में 137 चल रहा है मान लो, तो जो प्राइस मार्केट में कम चल रहा है और आपको थोड़ा आगे वाली लेवल पे लेना है, जैसे आप 150 की लेवल पे लेना चाहते हैं कि जब भी मार्केट में प्राइस 150 आएगी, क्योंकि 150 पे जैसे आपको ब्रेकआउट आने वाला है, तो अगर आपको आगे की प्राइस लेनी है तो आपको SL ऑर्डर लगाना पड़ेगा. तो उसके लिए आप ट्रिगर में 150, प्राइस में 150 डालेंगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट बहुत से लोग बफर में डालते हैं, तो आप यहाँ पर 151 भी डाल सकते हैं, ओके. इस तरीके से आपको लेना है. उसके बाद SLM का तो अभी कोई मतलब नहीं है, ये वाला अभी ऑर्डर शायद चलता नहीं है, तो इसको आप ना भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, ओके. उसके बाद ये GTT में आता है कि आप साथ ही, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में लगा सकते हैं GTT के हिसाब से, ओके. तो अभी तो ये बाय का था, तो इतना आपको समझ आ गया होगा. तो इस तरीके से आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है. अब जब ऑर्डर आपकी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर जब आपकी पोजीशन में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, सेल में जाना है. मतलब मान लो ये पोजीशन चल रही है आपकी, तो अब आपको सेल करना है. तो सेल के लिए सबसे पहले, जैसे मान लो पोजीशन में आ गई, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस. जितने भी पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, लाइक आपने 137 पे लिया तो आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो आपने 117 का यहाँ पर SL लगाया, ठीक है, 117 का, ओके. ट्रिगर में थोड़ा सा एक रुपया ज़्यादा डालते हैं, उसमें कम डालते हैं, तो 118 और 117 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया बफर रख के.
तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस हो जाता है, ठीक है। अभी तो मार्केट क्लोज्ड है। उसके बाद अगर आपका टारगेट आ रहा है, मान लो यहाँ पर 137 चल रहा है और अब आपको आगे के भाव में बेचना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 160 का आपका टारगेट है तो 160 आपने लगाया और लिमिट आपको सेट कर देनी है। इसमें जब आप सेल करने जाते हो ना, तो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपका लॉस हो जाएगा। लॉस में आपका मतलब एक लॉस को स्टॉप करना, जितना जैसे 20 पॉइंट्स तक की लॉस आप बियर कर सकते हैं, तो 20 पॉइंट्स के बाद मार्केट ही ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर को सेल कर देगा। लिमिट का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है उसके आगे जो आपको टारगेट सेट करना है, जैसे अभी 137 में लिया और आपका टारगेट 160 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 160 का भाव डाल के रख देंगे मार्केट में। तो जब भी प्राइस 160 आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये मार्केट का मतलब होता है कि मान लो आपका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ऑलरेडी 160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बस आप मार्केट पे भी ऑटोमेटिकली इसको सेल कर सकते हैं, जो भी भाव चल रहा है उस पे मार्केट अपना ऑर्डर ले लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये था बहुत ही बेसिक हाउ टू बाय और हाउ टू सेल वाला वीडियो। इसके आगे अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पर आपका इस वो वाला वीडियो भी आपको बना के दे दूँगी, ठीक है। बाय और सेल का यहाँ पर आपको बेसिक फंडा क्लियर हो चुका होगा, कैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। उस तरीके अगर कोई सुनो, अगर कोई स्टॉक ऑप्शन भी होता है ना, मान लो जैसे कि अडानी एंटर लेना है, तो आपको सिंपली उसका नाम अच्छे से लिखना होगा, जो प्रॉपर उसका नाम है ना, अडानी एंट लिख दिया, ठीक है, ENT लिखना है, अडानी एंटरप्राइज पूरा भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ना, अडानी एंटर, अडानी एंटरप्राइज जैसे 1240 लेना है, ठीक है, तो ये ऐसे लिखा, तो ये इस तरीके, ये तो चलो ट्रेड नहीं कर रहा है अभी, मान लो 1900 लिखा, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, इसे नाम लिख के आप इसको सर्च कर सकते हैं जो भी आपको बोला गया है उस तरीके से, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी अगेन। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।